Hello everyone. So finally we are in Delhi traffic and this is the car of today. This is a Virgin Ride, driven 29,398 kilometers as of now, and this is a C class 2014 last month ki. So kind of matlab it has a lot of good time for its expiry, and it is one of the cars jo sub 10 lakh budget mein aati hai. So a lot of people ask me yaar ki hamare paas budget kam hai ya hum 6 7 8 9 lakh ka matlab गाड़ी का था ना, आई थॉट तो मुझे लगा गोप्रो का सेंसर बजा. एनीहाउ, सो इनके अंदर ये अच्छी बात है, ये पोर्शे कायन में भी है कि लो स्पीड पे ऑटोमेटिकली चारों सेंसर्स एक्टिव रहते हैं, आपको कोई बटन नहीं दबाना पड़ता. सो जो जिन लोगों को लगता है यार कि गाड़ी लग जाएगी पता नहीं चलेगा, तो दीज लिटरली हेल्प यू अ लॉट. सो आई एम इन पीक ट्रैफिक राइट नाउ एंड आई विल स्लोली टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस कार, दिस राइड, द कंडीशन, व्हाट वी डिड, द कस्टमर, वी आर गोइंग टू द कस्टमर राइट नाउ एंड ऑल्सो हाउ इट ड्राइव्स. सो कॉन्सिडेंटली लास्ट भी हमारी सी क्लास की थी, सो दिस इज काइंड ऑफ द सिमिलर इंजन. एंड जस्ट लाइक आई टेल यू कि बहुत लोग जो आते हैं यार कि हमने लेटेस्ट कार लेनी है, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा खर्चना चाहते हैं. सो मैं ये कब से बोलता हूँ कि ओल्ड कार्स में ज़्यादा फीचर्स आते थे और नई गाड़ियों में लोग फिर भी कितनी देर से वो कॉस्ट कटिंग करी जा रहा है लोगों को पता नहीं लग रहा. फॉर एग्जाम्पल वो न्यू सी क्लास थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल पावर स्टेयरिंग नहीं है. तो ये देखो, ये आगे पीछे हो रहा है, ये मोटर से हो रहा है. इसका फायदा क्या है, और यहाँ पर भी मेमोरी सीट्स है, उधर भी मेमोरी सीट्स है, एंड इसका फायदा क्या है कि आपकी मेमोरी सीट्स के साथ सिर्फ आपकी सीट्स नहीं, आपके स्टेयरिंग टायर प्रेशर्स की लाइट है. प्लीज़ आप ये मत कहना गाड़ी में लाइट आ रही है, और इसका टायर प्रेशर रीसेट करना है बिकॉज हमने इसमें भी टायर अपसाइज करा है. सो मेमोरी सीट्स के साथ स्टेयरिंग भी आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है. एंड A6 2010 जो ये कुशल भाई साहब है हमारे वर्जिन राइड्स के साथ, ही हेल्प्स मी इन दिस वेंचर. सो ही बॉट माई कार, एंड उस गाड़ी में भी लेफ्ट साइड पे मेमोरी सीट्स हैं, बट उसके बाद वाली A6 में आई नहीं. उनको रिलाइज हो कि यार लोगों को पता तो चला नहीं, लेफ्ट वाले को छोड़ दो, लेफ्ट वाला बंदा मेहनत कर लेगा, क्या करना है. सो दिस इज द बैड थिंग दैट आई रियलाइज कि जो फीचर्स ऑलरेडी कंपनी ने दिए हुए हैं वो फ्यूचर मॉडल्स में क्यों उतार देते हैं. टू द पॉइंट कि नई GLE जो अभी आ रही है उसके अंदर भी ये मैनुअल एडजस्ट है यार स्टेयरिंग. क्यों भाई क्यों, बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड्स इतने कम हो गए हैं, बिकॉज हम क्रेटा वगैरह चला रहे हैं, हमें लगता है ओहो पावर्ड सीट्स, नॉट रियलाइजिंग कि पावर्ड सीट्स में इतनी चीज़ें हैं यार. अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एंगल होता है एक, ये तो क्या पूरी सीट ऊपर नीचे हो गई. ये लोग समझते नहीं है, बहुत मुश्किल है समझना कि जो आपकी सीट है वो सिर्फ आगे पीछे नहीं होती और ऊपर नीचे नहीं होती, वो ऊपर नीचे की पोजीशन भी आप डिसाइड कर सकते हो कि वो आगे से उठेगी या पीछे से उठेगी, वो भी बहुत मैटर करता है बिकॉज आपका सीट एंगल यहाँ से एडजस्ट होता है. एंड देन ऑल विंडोज, वन टच, वन अप डाउन, सारा कुछ वो तो है ही, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. सो कमिंग बैक टू द कार, सो आर कस्टमर इज मिस्टर सतीश एंड मिस्टर रोहित फ्रॉम चेन्नई. सो दे टॉक टू मी इन इंग्लिश एंड दैट्स वेरी नाइस बिकॉज मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाती है इससे. बट द पॉइंट इज कि सो दे हैव कम हेयर टू डेली एंड हाउ डिड द प्रोसेस गो थ्रू. बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है यार कि ये प्रोसेस चलेगा कैसे. अभी मैं गाड़ी आपको बाहर से भी दिखाऊंगा इसका वॉक अराउंड सारा, कि कितनी बढ़िया लग रही है कार और कितनी अच्छी है, और वाई पिछली मर्सिडीज उतनी अच्छी नहीं लगी थी, एंड आई विल टेल यू दैट वॉट वी डिड. सो जब भी हम कोई कार पुरानी लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं रबिंग, कहीं ना कहीं पेंट, कहीं ना कहीं कुछ की जरूरत होती है. सो दो तरह की गाड़ी है मार्केट में, एक गाड़ी है जिस पर डीलर ने खुद कुछ ना कुछ कराया होता है, तो उससे बेटर मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे कोई ओरिजिनल कंडीशन की गाड़ी मिल जाए, उस पर काम मैं करवा लूंगा. बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम 8-9-10 साल पीछे जा रहे हैं, इवन गाड़ियाँ कम भी चली हो, कम चली से कंडीशन मैकेनिकल मैटर कर सकता है, बट अगर जो ट्रैफिक में चला रहा है उसकी गाड़ी कहीं लग गई या कुछ हो गया, उसका किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है. सो वो हमारा चेक करना बनता है. बट अ लॉट ऑफ टाइम जिस गाड़ी में ओरिजिनल कंडीशन में कार होती है, वो ओरिजिनल कंडीशन में आपको एक न्यू कार एक्सपीरियंस नहीं आएगा. सो थिंग इज वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, जिसको हम रीफर्बिशिंग बोलते हैं. सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी बाय अ कार और व्हेन वी चूज अ कार, उसको रीफर्बिश करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है. अगर आप रीफर्बिश नहीं करोगे, लास्ट वाली सी क्लास के पास हमारा इतना टाइम नहीं था, वो बाद में भी हम रीफर्बिश नहीं कर पाए, ऐसी कस्टमर को चलेगी बिकॉज ही वॉन्टेड इट लाइक दैट. बट रीफर्बिशिंग करने के बाद ही आपको असली गाड़ी का मजा आने वाला है. सो ये गाड़ी जब मुझे मिली थी, मैं थोड़े से शॉर्ट्स मैंने अच्छे से शॉर्ट्स लिए उसके, नहीं लिए, बट इसकी हालत देखने में कोई भी बंदा कहेगा यार ये तो खराब है, ये तो वो है, बट आई न्यू कि वो जेन्युइनली ओरिजिनल कंडीशन में थी. हमने इसके 3-4 पार्ट्स पेंट कराए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर स्क्रैचेस थे, कोटिंग कराई है, अंदर से इंटीरियर बिल्कुल परफेक्ट थे, बट एक सीट पे कहीं पे कट था, वो सीट्स का हमने पूरा लेदर चेंज कराया है. एंड देन टायर्स इसके पहले सेट के डले हुए थे, विच इज लाइक विच वर द हार्डर टायर्स बिकॉज 10 साल हो गए थे उनको, ब्रेक पैड जिसके हार्ड हो चुके थे वो चेंज होने वाले थे, तो सब कुछ करवाया है. इसके अंदर 45 वॉल का टायर था, क्या टायर था पहले वाला साइज याद है, 45 पूरा साइज, आई डोंट नो द फुल साइज ना, बट द पॉइंट इज कि 45 सेक्शन था और हमने 55 सेक्शन करा. टायर वाला भी कह रहा है भैया ये कौन से टायर लेके आए आप, एंड आई ब्रॉट द टायर्स फ्रॉम चंडीगढ़ इन माय कार. सो कहता ये कौन से टायर तो लगेंगे, मैं कहा यार उसको बोल अपनी साइंस मत लगा, तू जो कह रहा हूँ कर दे, और क्या बढ़िया राइड क्वालिटी होगी, मजेदार
जो गाड़ी की स्टिफनेस होती है हर एक जर्मन कार की वो खत्म हो जाती है, और आपकी जर्मन कार जो चैसी हैंडलिंग में बहुत अच्छी होती है और कॉर्नरिंग में काफ़ी अच्छी होती है, वो राइड क्वालिटी में भी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आपके टायर्स की प्रोफाइल थोड़ी सी बेटर हो जाए। एंड देन कमिंग बैक टू दिस, अ सी क्लास दैट हैज इनिशियल टॉर्क बहुत अच्छी उठती है, ये हमारे वाहेगुरु जी हैं पिछले ओनर के, इनको हम संभाल लेते हैं। सो बहुत अच्छी उठती है, वेरी गुड, इजी टू ड्राइव कार, वेरी लाइट स्टेयरिंग। इसका स्टेयरिंग मेरे को नई वाली सी क्लास से बहुत बेटर लग रहा है, दिस फील्स अ लॉट वेरी 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 डायरेक्ट। सो 2014 की ये जो सी क्लास है इसको W204 बोलते हैं, मे बी मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम बैड इन नंबर्स, बट थिंग इज कि ये 2007 में आई थी, 2007-08 में बनी थी और 2014 तक ये चली है। तो 14 में आके इसके, दिस इज द मोस्ट फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ दिस, जिसके अंदर 360 डिग्री स्टैंडर्ड पार्किंग सेंसर्स आते हैं, ब्लूटूथ ऑडियो सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम्स काफ़ी लेट आया गाड़ियों में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ब्लूटूथ फोन बहुत देर से था गाड़ियों में, 2006-07 की गाड़ियों में भी आपका फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता और आप कॉल पर बात कर सकते हो, बट तब ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि हाई रेजोल्यूशन ऑडियो ट्रैवल कर सके। इस करके बहुत लोग कहते हैं यार कि फोन पे तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है तो गाने ब्लूटूथ से क्यों नहीं चल रहे, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, ये गाड़ियां नहीं। सो 2012-13-14 में जाके ब्लूटूथ ऑडियो भी आने लग गया गाड़ियों में, एंड देन वो अमेजिंग साउंड क्वालिटी और अमेजिंग स्पीकर जो इन गाड़ियों में आता है वो आप एंजॉय कर सकते हो। देन दिस कार हैज ड्यूअल रूफ, तो ये भी एक बड़ा सेक्सी फीचर था इस कार का जो सी क्लास में लोग मानते हैं कि आगे भी सनरूफ है पीछे भी सनरूफ है, ऑब्वियसली पिछली सनरूफ खुलती नहीं है सिर्फ अगली वाली खुलती है, बट पीछे इसका सनशेड आता है तो उसको मूनरूफ कह सकते हो आप, बट द पॉइंट इज दिस इज अनदर वर्सेटाइल कार दैट यू कैन गेट इन अ वेरी 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 गुड प्राइस, आई कैन नॉट टेल यू द प्राइस बट सब 10 लाख, मतलब ये सिंगल डिजिट लाख रुपीज़ में ही आई है। सो हाउ द एक्सपीरियंस वेंट दैट दे कॉन्टेक्टेड मी कि यार ऐसे हमने कार लेनी है, वी आर टाइट ऑन बजट एंड बट वी डेफिनेटली वॉन्ट अ वेरी बिग कार, एंड एज ऑल अदर कस्टमर्स ऑफ माइन दे वर ऑल्सो अ नॉर्मल कार यूजर्स अप टिल नाउ, बट दे वेंट अहेड विद मी, टुक दैट लीप ऑफ फेथ एंड दे वर रेडी यार कि मिलन तेरी वीडियोज देख के या वॉचिंग अवर वीडियोज वी आर कॉन्फिडेंट यार कि हमें अब लग्जरी कार में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले उनके बेटे से बात हुई, बट देन ये मैं आपको भी सबको बता रहा हूँ कि जिनके घर में फादर डिसीजन लेते हैं प्लीज़ आप मेरे को साइन अप करके सारा कुछ करने के बाद लास्ट में मत बोला करो यार मैं एक बार अपने पापा से बात करके आया। सो जस्ट इन्वॉल्व योर डैड इन द प्रोसेस और उनकी मेरे से पहले ही बात करवाओ। एक सेकेंड, क्या कॉर्नरिंग, ओह मजे से मुड़ गई अपने अभी। सो दिल्ली में मैप्स एंड मोमेंट पर कुछ भी कर सकते हैं। सो इट वॉज सच अ क्लीन स्वाइप एनी हाउ। सो प्लीज़ अपने फादर्स को पहले दिन से इन्वॉल्व करो, लेट मी टॉक टू देम बिकॉज इट इज़ ईजियर, बिकॉज इट इज़ अ लर्निंग कर्व, मैं उनसे डायरेक्ट बात करता ज़्यादा कंफर्टेबल हमें रहता है, उनको भी मेरे को भी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट जिनके साथ मैं इतनी बात करूँ और डिसीजन मेकिंग उनके पास ना हो। तो देन द फर्स्ट द सन टॉक टू मी, देन इज दैट कॉन्टेक्टेड मी, देन वी ऑल टॉक्ड ऑन कॉन कॉल्स, वी फाइनलाइज दैट दिस इज द राइट मॉडल, इस कि हमने उनका मर्सिडीज का बहुत दिल था और उनकी एक गरारी थी कि यार कि आई वॉन्ट अ कार दैट इज अ बिग लोगो ऑन द ग्रिल। सो दीज आर सम इमोशनल फैक्टर्स जो सबके होते हैं और मेरा बहुत मन होता है कि मैं उसको पूरा कर पाऊँ, बट डेफिनेटली मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा और हमेशा कंडीशन की होती है। सो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कम टू मी विद सर्टन रिक्वायरमेंट्स एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट माय प्रेफरेंस वुड बी दिस कि मैं ये कर पाऊँ, बट देन देर आर थिंग्स जो इररिपेरेबल हैं एंड देन देर आर थिंग्स जो चेंजेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रिल फिर भी लग सकती है, बट आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, जेन्युइनली ड्रिवन है नहीं है, उस गाड़ी को रखने का हैसल फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस आपका होगा या नहीं होगा, ये चेंज ये सो पॉइंट है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंजेबल है, कुछ चीज़ें अनचेंजेबल हैं। तो मैं अनचेंजेबल फैक्टर को ध्यान देता हूँ जब हमने कोई कार को ढूंढना होता है, बिकॉज आप जो मर्जी बोलो, आपके सबके इमोशनल गरारियाँ हो, जो मर्जी हो, मेरी पहली प्रायोरिटी हैसल फ्री ओनरशिप है। सो एज लॉन्ग एज आपका गोल उस चीज़ को नहीं खराब कर रहा है। बहुत बार क्या होता है हमारे पास 2-3 ऑप्शन होती हैं अगर गाड़ियों की, तो उनमें से एक थोड़ी खराब कंडीशन में होती है, बट देयर लाइक यार कि मेरी इमोशनल गरारी पूरी कर रहा है तो मैं आपसे लड़ पड़ूंगा और मैं आपको वो गाड़ी नहीं लेने दूंगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, एंड यस आई कैन बी रूड एट टाइम्स, यस आई कैन बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एट टाइम, एंड यस अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्ट किया कि मैंने इसको 5,000 दिया है, ये तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू मैं पहले गाली खा के खुश हूँ, लॉन्ग टर्म आपको खुश रखने में ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हायरिंग मी एज अ कंसल्टेंट। एंड अ लॉट ऑफ टाइम दिस हैज हैपेंड, कस्टमर से मेरी बहसें हुई हैं, लड़ाई हुई है, बट वंस दे हैव टेकन द कार उसके बाद फॉर नेक्स्ट 6-7 मंथ वो सिर्फ मुझे याद ही करते हैं, थैंक यू करते हैं, देन देर से यार की मिलन बहुत अच्छा हुआ कि यार की तूने धक्का करा और हमें मना लिया, बिकॉज एज लॉन्ग एज वी आर नॉट एट द सेम एक्सपीरियंस इट इज माई ड्यूटी टू पुट माई फुट डाउन एंड देन मेक श्योर यार दैट यू डोंट मेक अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज ऑब्वियसली एज आई टोल्ड दीज आर मैटर्स ऑफ द हार्ट, और हम अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं और बहुत कॉमन होता है गलत डिसीजन लेना जहाँ पे आपका दिल चलता है। पॉइंट इज की मेरी ये ड्यूटी यार की मैं आपको सही से गाइड करूँ, एंड देन वेन दे सेड यार कि हमारा इतना का बजट है और हमारा मर्सिडीज का दिल है, तो हमने पहले ई क्लास भी फाइनल करी, वो उसके साथ भी सेकंड लर्निंग हुई जो आप सबके लिए भी मैसेज है कि अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट पीपल थिंक कि यार कि आज हमने मिलन को साइन अप करा, इसने कल ही हमें बेस्ट ऑप्शन दे दी,
बट देन आपके सबके मन में होता है या कस्टमर्स के मन में होता है यार कि अब मैं निकला हूँ, कम से कम मुझे 10-15 गाड़ियाँ तो देखनी चाहिए या मेरे पास कुछ ऑप्शन होने चाहिए. बट द होल पॉइंट ऑफ मी बीइंग इन द मार्केट एंड ऑलरेडी नोइंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, मैं पहले ही आपको पहले तो 6-7 गाड़ियाँ ही बताता हूँ, उसके ज़्यादा इधर उधर जाने नहीं देता. जैसे मैंने पहले भी बताया, सी क्लास, ई क्लास, 3 सीरीज, 5 सीरीज, A4, A6 एंड देन इनके कॉमन SUVs हैं जो Q5 हो गई, X3 हो गई, X1 हो गई, Q3 हो गई, A3 हो गई. सो दीज आर वन ऑफ द कॉमन बंच जो आपको सड़कों पर सबसे ज्यादा दिखती है. और अगर आपकी पहली लग्जरी कार है, मैं आपको इधर उधर स्वेग करने नहीं देता. अगर आपकी सेकंड थर्ड है, आ जाओ, मुझे भी बहुत मजा आएगा आपके साथ एक SLK लेने में, एक कैबरियोले लेने में, या कोई भी मजेदार गाड़ी लेने में. आई विल हैव मोर फन इन बाइंग दैट. बट द पॉइंट इज, व्हेन इट्स योर फर्स्ट लग्जरी कार, इट्स माय ड्यूटी टू गेट यू थ्रू द लर्निंग कर्व, आपको एक सेफ गाड़ी दिलाऊं. तो और वो सेफ गाड़ियां थोड़ी सी इजीली अवेलेबल भी होती हैं, क्योंकि वो मार्केट में बहुत ज्यादा बिकी हैं. दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग इन द मार्केट, लग्जरी मार्केट एज वेल. तो बहुत बार क्या होता है, 99% ऑफ टाइम्स द फर्स्ट ऑप्शन दैट आई गेव इज एक्चुअली द बेस्ट वन. तो बड़ों को होता है यार कि नहीं यार कि अभी कम से कम 3-4 होनी चाहिए, फिर हम उसमें से चूज करें. बट द पॉइंट इज कि जो उन्होंने मुझे बताई होती है रिक्वायरमेंट, वो उसको एक्जैक्टली मैच कर रही होती है. एंड देन व्हाट हैपेंड, वी फाउंड दैट डी क्लास एवरीथिंग वाज गुड, इट वाज ड्रिवन 40,000 किलोमीटर, सारा कुछ सही था. बट डिसीजन लेते लेते वो गाड़ी बिक गई. मतलब हमने एक दो दिन लिए, दे वर थिंकिंग यार कि क्या करे क्या ना करे, इट डिड नॉट हैव दैट बिग लोगो. बट देन वी डिसाइडेड कि यार कि हम उस पर ग्रिल लगा लेंगे. एंड देन दे गॉट रेडी, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, देन दे गॉट रेडी, बट तब तक वो कार बिक गई. देन दिस वाज द सेकंड ऑप्शन दैट वी गॉट, एंड this was again a phenomenal car, needed a little bit of refurbishing. And then the second part comes in ki yaar ki a lot of people, they trust me when they put that 5000, they trust me via YouTube. But then when I tell them yaar ki ab hame dheere dheere isme, jaise agar car book karni hai to token dalna padega, to agar aapne aana hai ya nahi aana, that is your call. Because obviously most of my customers are from very far off cities, like they were from Chennai, right? Deepthi ki car bhi Bombay se thi, Navdeep bhi Bangalore se aaye the. So it's okay, obviously you want to come down, but then the process है वो ऐसा होता है कि दूर रह के कैसे बताऊँ आपको, जैसे अभी इस गाड़ी में refurbishing चाहिए थी, so उनको भी ये tough लगा decision लेना, but then they finally went ahead with it. They put around, अब refurbishing कराना खुद जाता था. So I wanted कि यार कि आप अगर गाड़ी की payment कर सकते हो पूरी, तो हम कार एक बार इनसे delivery ले लें, फिर मैं हफ्ता 10 दिन लगा के गाड़ी को पूरा तैयार कर दूँ. बट ऑब्वियसली देवर अनकंफर्टेबल है कि पहले हम खुद कार देखना चाहते हैं. बट देन वी फाइनली सेटल डाउन, मैंने डीलर से बात करी, सारा कुछ बीच में बात करके हमने उनको 2 लाख रुपए एडवांस दिया. डीलर कहता है कि इफ यू पे मी 2 लाख्स, आई विल गिव यू द कस्टडी ऑफ द कार विदाउट द डॉक्यूमेंट्स, एंड बिकॉज आई हैव रिलेशनशिप्स ऑल्सो. सो देन दे गेव अस द कार. फिर मैंने ये गाड़ी अच्छे से रीपेंट करवाई, जो मतलब सारा कुछ नहीं, जो मेन चीजें रीपेंट होने वाली थी, इसका पूरा मैकेनिकली इसको फर्स्ट क्लास कर दिया. छोटे मोटे इशूज थे जो पुराने चलने के कारण, जो मैंने आपको मेंशन करे वो थे. एंड देन राइट नाउ द कार इज इन ब्रांड न्यू कंडीशन, अमेजिंग कंडीशन, इतना कि यार कि खुद का दिल आ जाता है हर बार. एंड दैट इज हाउ आई वांट टू सेल कार्स. अभी शीशे थोड़ा सामने वाला है, बिकॉज रात को बिल्कुल चमक रही थी, अब दिन में थोड़ी मिट्टी वगैरह आ गई है. बट द पॉइंट इज कि दैट इज हाउ आई रियली वांट टू सेल कार्स, जिसमें यार आपको एक ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस मिले और आपको अगले 2-3-4 महीने, बिकॉज आई नो कस्टमर्स आर कमिंग फ्रॉम बाइंग, नॉट बाइंग अ न्यू कार फ्रॉम शोरूम दैट कम्स विद 3 इयर्स वारंटी, दैट कम्स विद अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस फॉर 20-30,000 किलोमीटर्स, एंड देन दे आर कमिंग टू यूज कार थिंग. तो आप ऑलरेडी यूज कार बायर नहीं हो, तो इसलिए मुझे पता है आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो रेगुलर वर्कशॉप्स जाने के लिए या कुछ ना कुछ करवाने के लिए, एज लॉन्ग एज कुछ अलग नहीं हो जाता. लाइक वन ऑफ द A4s दैट आई सोल्ड, उनके चूहे ने तार काट दी, सो दैट इज समथिंग जो किसी के हाथ में नहीं था. बट द पॉइंट इज कि बिकॉज आई वॉन्ट यू कि आप जब गाड़ी रखो तो आपको बिल्कुल बेस्ट जो हम कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको एक ब्रांड न्यू कार वाला एक्सपीरियंस ही आए. आपको अगले 10,000 से पहले वर्कशॉप ना जाना पड़े, सिर्फ सर्विस करानी है. पहले 20-30,000 किलोमीटर जैसे एक हनीमून फेज होता है न्यू कार का, बिल्कुल वैसा ही हैसल फ्री ओनरशिप हो और आप मजे लो और कार को एंजॉय करो. दैट इज व्हाट आई रियली वांट. तो हफ्ता 10 दिन दे कोऑपरेटेड, 10 डेज हमने लिए गाड़ी को, बिल्कुल बढ़िया मजेदार कर दी. नाउ दे हैव कम डाउन, दे विल मेक द फुल पेमेंट एंड टेक द डिलीवरी ऑफ द कार. बट उनका भी थोड़ा वो बेचारे रात को 2 बजे फ्लाइट लैंड करे, आई वेलकम देम टू स्टे एट माय प्लेस, बट दे हैड सम अदर प्लान्स. नाउ दे आर वेटिंग एंड वी आर गोइंग देयर, सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके. सो द होल पॉइंट इज दैट इट्स टोटली ओके फॉर, इट्स टोटली योर चॉइस आप गाड़ी कैसे लेना चाहते हो. बट द होल पॉइंट इज कि आप अगर ट्रस्ट कर रहे हो तो 100% करो. उससे क्या होगा, आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, बिकॉज देन इट्स अ वेरी, क्योंकि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं गाड़ी खरीद के आपको भेज दूंगा, आप वहां पर रिफर्बिश कर नहीं पाओगे, बिकॉज डेफिनेटली वहां पर अभी आपको धीरे धीरे करके लोग मिलेंगे, तो एक वो भी चैलेंज आता है. तो अब जैसे इन्होंने अब कहीं ना कहीं 2.5 लाख तो डाल ही दिया, बिकॉज रिपेयर पे पैसा लगा, सब कुछ लगा. वी स्पेंट अराउंड 50,000 रुपीज ऑन मेकिंग दिस कार अ ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस. बट देन ही केम एंड आई वाज टेलिंग हिम यार कि मैं गाड़ी ट्रांसपोर्ट करा दूंगा, बट देन आई थिंक मे बी मोस्ट प्रोबब्ली ही वांटेड टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ. तो दे आर वेटिंग एंड देन दे आर गोइंग टू टेक दिस टू चेन्नई. तो मेरे लिए वही बड़ा इंपॉर्टेंट था कि गाड़ी जो पता नहीं कितनी कम चली है लास्ट 9 सालों में,
डायरेक्टली बाइक हाईवे लॉन्ग ट्रिप पे जाएगी, और मुझे पता होता है कि अब जो गाड़ी कब से नहीं चल रही कस्टमर अच्छे से यूज करेगा तो उसके लिए वो रेडी करना जरूरी होता है। बट कमिंग बैक टू द कार इटसेल्फ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स दैट आई रियली लव टू ड्राइव, जो मैंने पिछले सी क्लास में बताया था। इसका स्टीयरिंग बेटर है, जैसे द किक डाउन मैंने पिछले सी क्लास में भी बताया था कि सब बड़ी मजेदार कार है, बहुत ही मजेदार कार है। इसमें आपको मतलब डेली ड्राइविंग के लिए परफेक्ट। एंड ऑनेस्टली पता है जो नई वाली सी क्लास थी, मे बी उसमें कोई इशू होगा, क्योंकि उसके टायर भी चेंज नहीं हुए थे, इसके अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब हमने करा दिया है, तो उसके टायर्स में मे बी होगा, आई डोंट नो, बट उसका वेग फीडबैक था, इसका बिल्कुल वेग नहीं है। दिस इज वेरी डायरेक्ट स्टीयरिंग एक्सपीरियंस एंड इतना ही मजेदार कार है। एंड दैट इज द ई क्लास, ये ऐसा है, मैं भी कंफ्यूज रहता यार, यही है। सो जस्ट लेट मी टेल यू, आज की डेट की हाईएस्ट सेलिंग लग्जरी कार इन इंडिया इज दैट ई क्लास। तो अभी भी जो मेन फिगर्स है, मर्सिडीज सबसे ज्यादा बिकती है इंडिया में, क्योंकि सबसे पहले आई थी, अंकल लोग मर्सिडीज बहुत लाइक करते हैं। इधर भी इनके डैड वॉज वेरी फॉर मर्सिडीज, सॉरी गाइस, सॉरी, प्लीज पुलिस को कंप्लेंट मत कर देना, बट आई टेल यू दैट हाउ मच द कार इज रेडी। एंड आई नो यू लाइक टू रेव द कार लाइक दिस, एंड इट इज माई ड्यूटी टू प्रिपेयर द कार लाइक दिस, ताकि आप इसको नई गाड़ी की तरह इसकी बैंड हो जाओ, मजे लो, खड्डों से भी आराम से निकालो। खड्डे से थोड़ा आराम से निकालना जरूरी है, बट सिंस विद द अपसाइजिंग ऑफ द टायर द राइड क्वालिटी बिकम वेरी 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 मच बेटर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कॉर्नरिंग एबिलिटी एंड एवरीथिंग एल्स। सो यार अमेजिंग कार, अभी इसके शॉट्स आपको देते हैं, अब आई डोंट नो, मैं वीडियो के बाद में डालूंगा, पहले डालूंगा, बीच में डालूंगा, बट द पॉइंट इज यार कि मुझे मजा आ रहा है यार, कल रात से गेड़िया मार रहा हूँ इस पे, एंड इट्स टोटली फन, एंड आई रियली लव दिस फीचर। पता है हर कंपनी के ना थोड़े थोड़े अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में आपको पी का बटन दबा के सेंसर ऑन होते हैं, इसमें क्या है, और पोर्शे में भी व्हेन यू गेट स्लो ऑटोमेटिकली सेंसर ऑन हो जाते हैं, वो आगे ऑन हो गए, आई डोंट नो आपको दिखेंगे दिखेंगे, बट यहाँ पे लाइट जल गई, मैं थोड़ा पास जाऊंगा तो टीन 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 करने लग गए, और पीछे वाले सेंसर जिसके यहाँ की बजाय आपको पीछे शीशे में ऊपर छत पे दिखेंगे, कुशल इफ इवेंट होता है तो वहाँ पे है, अगर रिवर्स करते वक्त होते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि यू डोंट हैव टू स्विच देम ऑन, ऑटोमेटिकली दे विल वार्न यू यार कि मैं कहीं से बजने वाली हूँ या प्लीज मेरे को बचा लेना। फिर भी ठोकने वाले लोग गाड़ियाँ ठोक ही देते हैं, बट इट्स ओके, मेरे से भी ठोकी जाती बहुत बार, इवन वाइल हैविंग एवरीथिंग। सो यार यस, अमेजिंग कार, परफेक्ट कार, अमेजिंग कंडीशन, इसकी दो चाबियाँ हैं, इंश्योरेंस इसकी अक्टूबर तक है, एंड बस यार मजेदार एक्सपीरियंस है, आई होप टू गेट देम ऑन कैमरा एंड हाउ दे विल फील, दे हैव बीन पेइंग अप फॉर द कार एंड नाउ दे विल सी इट इन फ्लैश। आई एम सॉरी, मेरे बाल थोड़े खराब हो गए गोप्रो करके, बट दे विल सी इट इन फ्लैश, सो उनका एक्सपीरियंस भी बड़ा मैटर करता है, एंड लेट्स सी यार, वी आर 10 मिनट्स अवे फ्रॉम देम, दे हैव बीन वेटिंग लाइक क्रेजी, दे हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली, एंड लेट्स सी, अब उनका एक्सपीरियंस दिखाते हैं और उनसे सुनते हैं कि उनको कैसी लग रही गाड़ी। So this is Satish ji, this is Rohit ji, this is their friend all the way from Chennai to buy this great Mercedes C-Class 2014, I think 31. How was your experience? I have not very good experience here with Mr. Nilin. Yes, now help us like in our own brother, how he has to do for his brother. So like that, you know, we didn't see his face at all, after what one only we were for you. We trust him a lot because from his word, you know, he didn't change, he divert, never diverge here and there. And in fact, he expected many things, he has done more than that. That is what I can say. Thank you, thank you. So we used to see his YouTube video, Far Review Channel. So interesting thing was that, you know, he was reviewing the XC3 and then the year 2017. Yeah. 2019. So my son used to watch his video, my son here, he couldn't understand the Hindi. He came to me and asked me, this person is, he keep on saying them, kya baat hai, what is it, how does it mean? So I told him, so he's very much impressed with the car performance. So from there onwards, we started following him. Then one day we asked him, that, are you doing this service? No, we are looking for your car with him. Luxury segment. So he said, I'm doing this. The same thing here, I'm doing it. So we started approaching him. You can see my chat box, you know, WhatsApp chat box, for starting from this car to purchase to the end of today. He has done so many chats with us, so much details he has given. So even if you miss something, you know, if we are biased, we miss something, he is picking up and telling us, you have to look into this, I'm taking care of this one, that, and that. So that way, no, nobody will do it in the market nowadays.
it's an excellent job done by thank you very much. I can give you guarantee that while you're on the road trip, you will say kya baat hai kya baat hai. Okay, dimensionally time, thank you, Sam Cruz. This is the car. I thought you thought. Just go one better girl with us.